हेलो क्लास एलकेजी, दिस इज़ योर मैथ्स वर्क। हमने एडिशन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू किया था। मैंने आपको बताया था कि एडिशन कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो आज हम नंबर्स के थ्रू करेंगे एडिशन। ठीक है, वी विल डू द एडिशन थ्रू नंबर्स। चलिए देखिए कैसे करना है। दिस वन इज़ सिक्स एंड दिस वन इज़ टू। हमें सिक्स में से टू को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, कम करना है, ओके, टू लेस करने हैं। सो हाउ वी विल डू सिक्स लाइन्स, वी विल ड्रॉ हेयर सिक्स लाइन इन फ्रंट ऑफ सिक्स। सिक्स के सामने हमें सिक्स लाइन ही ड्रॉ करनी है। कितनी करनी है? सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ओके। और हमें टू सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? काउंट करके टू लाइन्स को कट करेंगे। वन टू, टू लाइन्स कट कर दीजिए एंड बाकी बची लाइन्स को हम काउंट कर लेंगे। वन टू थ्री फोर, द आंसर इज फोर। तो हमारा आंसर हम यहीं टू के नीचे राइट करेंगे, ठीक है, किसके नीचे? टू के नीचे। और ये देखिए, जैसे कि ये सेवन है, दिस इज सेवन, सो वी विल ड्रॉ हेयर सेवन लाइन्स। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है। एडिशन में हमें दोनों साइड, दोनों नंबर्स के आगे लाइन्स खींचनी होती हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमें सिर्फ ऊपर वाले नंबर के सामने ही लाइन्स ड्रॉ करनी है और नीचे वाले लाइन नंबर को कट करना है काउंट करके, ठीक है। चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमारे कितने नंबर हैं? सेवन। तो हमने सेवन लाइन ड्रॉ कर दी और अब हमें फोर कट करना है। वन टू थ्री फोर, तो फोर नंबर हमने कट कर दिया, फोर लाइंस को कट कर दिया, तो हमारे पास कितना नंबर बचा? वन टू थ्री, द आंसर इज़ थ्री। सो आई होप सब बच्चों को ये समझ में आ जाएगा और इसको प्रैक्टिस करेंगे। अभी टू थ्री फोर डेज में यही आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ही आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। चलिए नाउ सी योर मैथ्स, सॉरी इंग्लिश वर्क, दिस इज योर इंग्लिश वर्क बेटा। आज आपको राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है, मैंने पहले भी आपको कराया है, सो दिस इज द रिवीजन। राइमिंग वर्ड होता है, ये देखिए, लास्ट के टू लेटर्स को आप मैच करेंगे एंड सेम साउंड होनी चाहिए, बन सन, ठीक है। इस तरह बी यू एन बन, एस यू एन सन, सी यू पी कप, पी यू पी पप, टी ओ पी टॉप, एम ओ पी मॉप, आर ई डी रेड, बी ई डी बेड, रेड बेड, टॉप मॉप, बन सन, एक जैसी आवाज़ आ रही है ना, साउंड आ रही है ना, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड। तो सभी बच्चे इन राइमिंग वर्ड्स को मैच करेंगे आज, ओके, थैंक यू।